बढ़ रहे हैं आगे, एक बार फिर मदरसों पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल आरोप लग रहे हैं कि मदरसों में बम बनाने की ट्रेनिंग दी जाती है और आतंकवादियों को तैयार किया जाता है। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष हैं वसीम रिजवी, उन्होंने सवाल उठाते हुए ऐसे मदरसों को बंद करने की मांग की है। रिजवी ने पीएम मोदी और सीएम योगी को चिट्ठी भी लिखी है। क्या मदरसों में हो रही है आतंकवाद की पढ़ाई? क्या मदरसों में हो रही है आतंक की फंडिंग? क्या मदरसों में सिखाया जा रहा है जिहाद? ऐसे ही बेहद संगीन आरोप मदरसों पर लगाए हैं उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी ने। मदरसों से पढ़े हुए बच्चे आज तक बताइए कितने डॉक्टर बने, कितने इंजीनियर बने, कितनी अच्छी पोस्टों पे गए, कितने आईएएस बने या कितने पीसीएस बने, टेररिस्ट जरूर बने हैं। वेस्ट बंगाल में कई मदरसे ऐसे पकड़े गए कि जहां पर बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी। जी हाँ, 58 मदरसे ऐसे हैं जो एक रिपोर्ट्स में ये पाया गया कि जो जिहादी ग्रुप से लिंक्ड हैं। मुल्लाओं का तो एक ये धंधा बन गया है क्योंकि मदरसे चंदे से, ज़कात से, डोनेशन से चलते हैं और मदरसा खोलकर चंदा वसूल करना, और खुद उन मुल्लाओं के बच्चे तो अच्छे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ रहे हैं लेकिन दूसरे गरीब बच्चों को उनकी जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं। रिजवी ने न सिर्फ मदरसों पर गंभीर आरोप लगाए बल्कि उन्होंने पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ऐसे मदरसों पर कार्रवाई करने के लिए चिट्ठी भी लिख दी। रिजवी ने चिट्ठी में लिखा, मदरसों में बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों से पैसे आते हैं, कुछ आतंकवादी संगठन भी अवैध रूप से चल रहे मदरसों को फंडिंग कर रहे हैं। मुस्लिम इलाकों में ज्यादातर मदरसे सऊदी अरब के भेजे पैसे से चल रहे हैं। सही शिक्षा नहीं मिलने से आतंकवाद के रास्ते पर जाते हैं मदरसे के छात्र। शिमूली और लालगोला मुर्शिदाबाद में महिलाओं को बम बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। मदरसों के पाठ्यक्रम नौकरी देने वाले नहीं हैं। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा प्रणाली के मुताबिक मदरसों का नाम स्कूल कर देना चाहिए। जो रजिस्टर्ड मदरसे नहीं हैं उन्हें तुरंत बंद कर देना चाहिए। मदरसों पर सवाल उठाने वाले रिजवी पर सवाल भी तुरंत उठ गए। किसी ने जोकर कहा तो किसी ने मौका परस्त। मिस्टर वसीम रिजवी इज द बिगेस्ट जोकर, द मोस्ट अपॉर्चुनिस्टिक पर्सन। ही हैज सोल्ड हिज सोल टू द आरएसएस एंड आई चैलेंज दिस बफून एंड जोकर टू शो वन शिया और सुन्नी और एनी मदरसा वेर इन सच टीचिंग्स आर इम्पॉर्टेंट। And if he has the proof, he should show it and go and show it to the Home Minister. जो लोग इन मदरसों पे इल्जाम लगा रहे हैं उसके पीछे उनका अपना कोई पर्सनल इंटरेस्ट हो सकता है, लेकिन ये कहना कि मदरसों को खत्म कर दिया जाए या बंद कर दिया जाए ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक है और इसके सिवा कुछ नहीं। जो भारत के संविधान का फंडामेंटल राइट है, जो तमाम लोगों को, माइनॉरिटीज को मिला हुआ है, उसके तहत चल रहे हैं, वो खत्म करने का अख्तियार न प्रधानमंत्री को है न मुख्यमंत्री को है। बहुत दिनों से चूंकि को आप लोग उनको कोई अहमियत नहीं दे रहे थे, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही जो आप उनको फिर से अहमियत दीजिए, वरना इनके इसमें कुछ है नहीं। मदरसों पर हल्ला हंगामे के बीच बीजेपी ने साफ किया कि ऐसा कोई फैसला सरकार नहीं लेने जा रही है। न कभी भारतीय जनता पार्टी का इरादा मदरसा को बंद करने का था, न कभी होगा। इस तरह का कोई इरादा न योगी जी की सरकार का है, न मोदी जी की सरकार का है। रिजवी के मुताबिक देश भर में 1 लाख से ज्यादा मदरसे हैं, जिनमें से कई ऐसे हैं जो अवैध रूप से चल रहे हैं या रजिस्टर्ड भी नहीं हैं। इससे पहले भी मदरसों पर सवाल उठते रहे हैं लेकिन इस बार फिर शिया वक्फ बोर्ड ने मदरसों को आतंकवाद से जोड़कर नया विवाद खड़ा कर दिया है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।